हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती बन चुकी है, इसको पूर्ण कराना इतना कठिन काम हो चुका है जितना कठिन भारत के लिए पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करना हो गया है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इस भर्ती में इतनी अनियमितताओं की शिकायतें आई हैं, इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हुई हैं। अनियमितताएँ कई स्तर पर हुई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी हुई हैं, कुछ बच्चों के द्वारा भी हुई हैं। गवर्नमेंट बार बार कहती है कि बच्चे इस भर्ती को, कुछ बच्चे हैं जो तथाकथित रूप से केवल भर्ती को फंसाने में लगे रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों कोई लूप हॉल छोड़ती है। आज कोर्ट में क्या हुआ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। और दूसरी बात आप सुन लीजिए दोस्तों, कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे मेरे अनुसार 3/6/2020 तक स्टे हो चुका है। इसे स्टे ही कहते हैं। आज जिला आवंटन की सूची आने वाली थी, लेकिन वो सूची रोक दी गई है, क्योंकि अंतरिम रिलीफ का मतलब यही होता है, अंतरिम रिलीफ है। और आज केस में हुआ क्या, केस में मैं मोटी मोटी बातों पे जाऊंगा। जज साहब ने कहा कि इस विभाग से ज़्यादा तो बच्चे ही होशियार दिख रहे हैं, बच्चे ज़्यादा होशियार हैं। सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, और जो याची थे सौरभ राजपूत की टीम थी वो याची थे। उन लोगों ने अमित कुमार भदौरिया और कई अन्य वकीलों को रखा था। चार प्रश्नों को लेकर विवाद था दोस्तों। ये चार प्रश्न कौन कौन से थे, एक नाथ संप्रदाय वाला क्वेश्चन था, और एक प्रति व्यक्ति आय वाला, एक परिभाषा थी, और एक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। और ये एग्जाम में ये नहीं पूछा था प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये सब बातें जो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जज साहब ने आज जो है कहा विभागीय अधिकारियों से ज़्यादा तो छात्र योग्य दिख रहे हैं। ऐसा जज साहब का कहना था कि विभागीय अधिकारियों से ज़्यादा बच्चे ही होशियार दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे जो साक्ष्य हैं वो SCRT के हैं और प्रमाणिक हैं। मैं आपको बताऊं, 2018 का जो टेट का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी अनियमितताएं सामने आई थी। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। पहली बात तो PNP परीक्षा नियामक प्राधिकरण ये खुद कहती है कि मैं SCRT को मानूंगा, और SCRT की बुक में दिया हुआ था कि चुनाव की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन PNP ने उसे निर्वाचन आयोग मान लिया था। कक्षा 8 की किताब थी, पेज नंबर 91 था, हमारा लोकतंत्र चैप्टर का नाम था नागरिक जीवन सब्जेक्ट था, आप उसमें जा करके चेक कर सकते हैं। और आज कोर्ट ने इस संस्था को काफ़ी फटकार लगाई है। AG कोर्ट को अवगत कराते हुए इसी मामले में इलाहाबाद में अगली डेट दी गई। AG साहब का पूर्ण प्रयास था इसमें अगली डेट दे दी जाए, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, गलत मूल्यांकन हुआ है, उत्तर कुंजी में कोई अनियमितता है, उसे सुधारा जाए। सरकार इतनी जल्दी इस लॉकडाउन में पूरे देश में कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, केवल और केवल 69,000 शिक्षक भर्ती ही ऐसी भर्ती है। ये प्रक्रिया इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के मूड में है। कारण क्या है, जहाँ तक मुझे लगता है इस भर्ती में काफ़ी अनियमितताएं हुई हैं, काफ़ी शिकायतें आई हैं। 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था और 6 जनवरी को ही पेपर आउट का मामला आ गया था, लेकिन इसको भी सरकार ने या किसी भी विभाग ने संज्ञान में नहीं लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने आज पूरी तरह से विभाग को बहुत ही कड़े शब्दों में समझाया है। हम न्यायालय के सभी अभ्यर्थियों से मांग कर रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे। सुदीप सर जो कि विपक्ष के वकील थे, विपक्ष इसको इसमें किसको कहा जाए, सरकार को विपक्ष कहा जाए या जो बच्चे हैं उनको विपक्ष कहा जाए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बच्चे तो निभाते नहीं हैं, बच्चे केवल अपने हक के लिए लड़ाई डरते हैं। और अंतिम फैसला ये है दोस्तों कि अंतरिम रिलीफ पर आर्डर रिजर्व हुआ है, अंतरिम रिलीफ पर, और हाई कोर्ट लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर मामला विवाद मामले की सुनवाई पूरी हुई। आर्डर रिजर्व 3/6/2020 को सुनाया जाएगा। इसका मतलब आज अर्थात 1 जून 2020 को जो जिला आवंटन की सूची जारी होने वाली थी, वो जिला आवंटन की सूची अब आज जारी दोस्तों नहीं की जाएगी। और रही बात दूसरी, अब इसका तो मतलब जो निकल के आ रहा है वह यही है। इसका मतलब बच्चों को 3 तारीख तक अब इंतजार करना पड़ेगा, और यदि 3 तारीख को फैसले में 2 नंबर या 3 नंबर कामन फिर से दिए जाते हैं तो रिवाइज्ड आंसर की फिर से जारी होगी। रिवाइज्ड आंसर की छोड़ दीजिए, रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि रिजल्ट में 1,46,060 बच्चे पास हुए हैं, और अगर 1-2 नंबर कामन बढ़ते हैं, कामन या व्यक्तिगत बढ़ते हैं, तो फिर से अगले साल भी
सॉरी अगर एक दो नंबर का आमन बढ़ते हैं दोस्तों, तो कम से कम 10 से 20,000 बच्चे और सफल इसमें होंगे। अब इस भर्ती में कितनी अनियमितताएं हैं, मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि सरकार को बहुत जल्दबाजी में इस भर्ती को पूरा कराने का प्रयास किया, फिर भी 6 जनवरी से लेकर के 1 जून 2020 हो गया, अभी तक भर्ती रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। हमेशा जो भी प्रवक्ता आते हैं, जो महोदय आते हैं टीवी चैनल पर, यही बोलते हैं कुछ बच्चे भर्ती को जानबूझकर फंसाते हैं। मैं ये पूछता हूं आपसे, आप इतना लूप हॉल छोड़ते क्यों हैं कि बच्चे कोर्ट में जा सकें? अनियमितता कहां से आई? 6 जनवरी को तो एग्जाम होने वाला ही नहीं था। 5 जनवरी को हाईकोर्ट का आर्डर आया, 4 जनवरी को हाईकोर्ट का आर्डर आया 5 जनवरी को, और 5 जनवरी को ही एडमिट कार्ड जारी किए गए। इसमें बहुत कुछ हो चुका है इस भर्ती में। अब क्या होता है आगे? 3 से 6 के बीच काउंसलिंग होने वाली थी, अभी तक विभाग के द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरीके के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर